सर्दियों का मौसम चल रहा है, शीत लहर से हर कोई त्रस्त है, पर सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। स्कूली बच्चों का तो हाल ही देखकर सबको तरस आता है। इसी कड़ी में राधा रमन इंटर कॉलेज कानून गोयान में श्याम मोहन अग्रवाल ने स्कूली बच्चों को कैप और मोजे वितरित किए। 200 बच्चों को ये पूरा सामान वितरित किया गया। जो बच्चे नहीं आ पाए थे उनका सामान स्कूल में ही सही से रख दिया गया, ताकि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो वो इसे प्राप्त कर सकें। दरअसल पूरे उत्तरी भारत में इस समय शीतलहर जारी है और इसी वजह से धूप होने के बावजूद भी लोगों को बराबर सर्दी लग रही है। मेरा नाम श्याम मोहन अग्रवाल है। आज आपने क्या कार्यक्रम में? मैं उत्तर प्रदेश धूप व्यापार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने अपने बच्चों को जो है, जो गरीब स्कूल है, बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक एक टोपा, एक एक जोड़ी मोजे जो है पहनाने का लक्ष्य रखा है। अदर अमन स्कूल में हमने 216 बच्चे हैं, इसके अंदर इनको सब बच्चों को एक एक टोपा और एक एक जोड़ी मोजे जो है हम लोगों ने पहनाए अपने हाथ से। और जो बच्चे आज उपस्थित नहीं हैं उनके लिए हमने जो है प्रधानाचार्य जी को सामान दे दिया है। और अभी हमने जो है 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी कंबल बांटे हैं। अभी हमने गरीब लेडीज को, बच्चों, आदमियों को, जो मतलब ये जो स्टेशन पर फुटपाथों पर बेचारे जिनको ओढ़ने के लिए कोई चारा नहीं है, तो हम लोगों ने कंबल का जो है वितरण कहा है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच की तरफ से। रजिस्टर्ड है ये, लखनऊ से है और मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, जो मतलब लाजपत नगर के अंदर। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।